खरगोन नगरीय क्षेत्र में संजीवनी क्लिनिक खोलने की तैयारी तेज हो गई है। नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में क्लिनिक के लिए स्थान तय करने के लिए भ्रमण कर रही है। चिन्हित स्थान जर्जर होने से विरोध भी होने लगा है। शुक्रवार को CMHO डॉक्टर MS सिसोदिया और नगरपालिका CMO ने चिन्हित भवनों का निरीक्षण किया। डाइट परिसर के पुराने भवन को संजीवनी भवन के रूप में चिन्हित करने पर क्षेत्रीय पार्षद अरुणा उपाध्याय ने नाराजगी भी दर्ज कराई है। श्रीमती उपाध्याय ने CMHO से कहा कि जर्जर भवन में क्लिनिक संचालन से मरीजों की जान को खतरा हो सकता है, पहले इसका उन्नयन हो, इसके बाद ही इसमें क्लिनिक शुरू किया जाए। उपाध्याय ने भवन निर्माण में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। CMHO ने पार्षद को आश्वस्त किया कि इन भवनों के उन्नयन के बाद ही इनमें संजीवनी केंद्र संचालित किए जाएंगे। हमारे पूरे जिले में देखा जाए तो 12 संजीवनी मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक है और हमारे जो है प्रॉपर खरगोन में 6 हैं। 6 में से एक हमारा ये वार्ड नंबर 2 का भी है। आज हम पूरी टीम, मेरी टीम और CMO साहब की पूरी टीम, हम पूरे 6 के 6 हमारे जो क्लिनिक बन रहे हैं उसमें विजिट करें। ये जो नंबर 2 का है इसमें बहुत ज़्यादा कमी है, इसको तो फिर से रिनो कराना पड़ेगा, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। बाकी हमने 3-4 जगह और भी देखा, मेरे ख्याल से वो उसमें छोटे मोटे काम है, तो हम CMO साहब के साथ विजिट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो एकाध वीक में पूरी तरह से 3-4 तो हमको मिल जाएंगे। सर, जिस तरीके से पूरा बन चुका है और उसके बाद में मतलब उसमें काफ़ी कमियां हैं, तो ये बन रहा था इस वक्त कोई जिम्मेदार यहाँ पर देखने नहीं आया था? देखो, अब ये बनाने का काम तो नगर पालिका का है, हम लोग तो जब ये हमको हैंड ओवर करेंगे तो हम इसमें हमारा काम चालू कर देंगे। सर, उनका किस तरह के उपचार होंगे, क्या सुविधा होंगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें हमारे मेडिकल ऑफिसर रहेंगे और जो प्राइमरी लेवल पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हमारे गांव में रहता है, ये जस्ट लाइक PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसा ही रहेगा। तो इससे हमारे जो हमारा जो DH जिला अस्पताल बहुत दूर पड़ता है, तो हमारी जो जनता को उनके घर के पास में प्राइमरी सुविधाएं मिले उसके लिए व्यवस्था है। माना जाएगा जिला अस्पताल का भी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोड कम होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि 6-6, 7-7 सौ की OPD होती है और हम 6 अलग अलग क्षेत्र में और बहुत शानदार जगह चुनी है आप लोगों ने। स्टाफ की कमी का अस्पताल में देखी जा रही है, तो इसमें कोई नई नियुक्ति हो रही है? इसमें अलग से नियुक्ति हुई है, ये एक यूनिटी अलग है और वो बहुत जल्द हो जाएगा। जैसे हैंड ओवर होगा, हम प्रक्रिया हमारी प्रक्रिया चल रही है, हम लोग इसको करा लेंगे। खास तौर पर मतलब किस तरह की सुविधा रहेगी सर यहाँ पर? इसमें प्राइमरी जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हमारी सुविधा रहती है वो सब इसमें मुहैया रहेगी। सर, मेरा संजीवनी हॉस्पिटल का ये मुद्दा है कि इसमें सारे पुराने पार्ट्स लगाए गए हैं, इसमें कोई भी क्लिनिक नहीं खुल सकता है। और मैंने इसका निरीक्षण अभी किया, वर्तमान में किया, 15 से 20 दिन पहले, क्योंकि मुझे जब ये बिल्डिंग का काम प्रारंभ हुआ तब मुझे किसी ने सूचना नहीं दी, ना ठेकेदार ने दी, ना नगर पालिका ने दी और ना ही स्वास्थ्य विभाग ने दी है। और मैं यही चाहती हूँ कि ये कार्य डबल से पूर्ण किया जाए, क्योंकि ये संजीवनी हॉस्पिटल बिल्कुल भी चलाने लायक नहीं है। मेरे वार्ड को इस तरह की खटिया काम की कोई आवश्यकता नहीं है। साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इसे नए सिरे से बनाया जाएगा। उन्होंने निरीक्षण किया और फिर उन्होंने बोला कि हम इसे डबल से बनवाएंगे और इसका सारा काम डबल से करवाएंगे। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, खरगोन। निमाड की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड को सब्सक्राइब जरूर करें।